क्वेश्चन है। सर ये सेंटेक्स के नीचे जो लिखा हुआ है ये बता। हाँ ये सेंटेक्स है कि लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं। तो सिंपल है कि या तो आप कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर कॉमा सेपरेट करके एलिमेंट्स दे दें, या फिर लिस्ट फंक्शन के थ्रू आप क्रिएट करें। तो दो सेंटेक्स हैं इसके। लिस्ट जो है वो फंक्शन है, और फंक्शन में आप आर्गुमेंट्स के तौर पे जितने भी एलिमेंट्स होंगे अरे के वो आप देंगे तो वो एक लिस्ट क्रिएट हो जाएगी मैथमेटिका में। ओके सर। जी सर। सर मेमोरी में डेटा को रिट्राइव कैसे करते हैं? जैसे हम कोई वेरिएबल बनाते हैं प्रोग्रामिंग में ए फॉर एग्जांपल, और उसको हमने 5 नंबर जो है वो असाइन किया है या 5 वैल्यूज में स्टोर किया है, या हमने पढ़ी थी असाइनमेंट में ना, तो असाइनमेंट ऑपरेटर दरमियान में यूज होता है। ए इज इक्वल टू आगे असाइनमेंट ऑपरेटर और जो भी वैल्यू 5, 10 दें तो वो मेमोरी में जाके स्टोर हो जाती है। रिट्राइव कैसे करते हैं? सिंपली उस वेरिएबल्स का नेम जो है वो हम यूज करेंगे तो मेमोरी से जो डाटा है वो ऑटोमेटिकली एक्सेस हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह अगर कोई लिस्ट वगैरह है तो लिस्ट का अगर आप कोई नाम देते हैं तो उस नेम के थ्रू आप उसको दोबारा एक्सेस भी कर सकते हैं। लिस्ट देते जाएं तो मैथमेटिक्स का जितने भी लिस्ट होगी, जितने भी लिस्ट आप बनाएंगे उनमें से कॉमन एलिमेंट या उनका जो यूनियन है वो आपको कैलकुलेट करके देगा। ठीक है। इसी तरह हमारे पास कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती हैं जिसमें डाटा सेट जो है वो बड़ा होता है और उसके ऊपर हम कोई ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं। इसके लिए जरूरी होता है कि डाटा को पहले एक सॉर्टेड फॉर्म में लाया जाए, एक तरतीब में या एक सीक्वेंस में उनको जो है ना वो लाया जाए। तो अगर आपके पास एक लिस्ट है और उसमें काफी सारे एलिमेंट्स हैं और आप चाहते हैं कि उन एलिमेंट्स को सॉर्ट किया जाए असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो आप सॉर्ट के फंक्शन के थ्रू या रिवर्स के फंक्शन के थ्रू कर सकते हैं। जी अवैस कोई क्वेश्चन है? यस सर। सर वो पिछली स्लाइड रिपीट कर दें, मेरा सिग्नल इशू था, आपको नहीं समझ आई। प्रीवियस स्लाइड में हमने सिर्फ ये बात क्यों या मतलब डिफरेंट हो, तो अगर तो सेम टाइप के होंगे तो उस लिस्ट को हम होमोजीनियस लिस्ट कहेंगे, अदरवाइज वो हेटरोजीनियस होगी। ठीक है। हाँ, तो मैथमेटिका में लिस्ट जो है ये एक फंडामेंटल और इम्पोर्टेंट डाटा स्ट्रक्चर है। तो मैथमेटिका में काफी सारे फंक्शंस अवेलेबल हैं जिनके थ्रू हम लिस्ट को क्रिएट भी कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं,
वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये नीचे दो वेज हैं सिंटैक्स में कि कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं, या तो आप करली ब्रैकेट्स के थ्रू आप करें या फिर आप लिस्ट फंक्शन के थ्रू करें। तो ये नीचे दोनों के सिंटैक्स। ठीक है सर, ये होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस मतलब सेम और डिफरेंट कैसे? वैसे है कि अगर हमारे पास एक लिस्ट है और उसमें कुछ नंबर्स हैं, ठीक है, तो अगर तो वो फॉर एग्जांपल एक लिस्ट है जिसमें 10 नंबर्स हैं, तो वो सारे नंबर्स जो हैं वो अगर इंटीजर्स हैं तो इसका मतलब है कि वो सारे सेम टाइप के हैं, और अगर वो सारे जो हैं वो फ्लोटिंग पॉइंट के हों, रियल नंबर्स हों, तो इसका मतलब है कि वो सारे होमोजेनियस हैं, ठीक है, लिस्ट जो है वो होमोजेनियस है। और अगर ऐसा है कि कुछ एलिमेंट इंटीजर्स हैं कुछ रियल्स हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये हेटेरोजेनियस है, कि एलिमेंट्स की जो टाइप है वो डिफरेंट है एक दूसरे से। सर बस टाइप ही सेम होनी चाहिए सर जी, एलिमेंट्स की टाइप उसकी बात हो, क्योंकि लिस्ट में और तो है कोई चीज नहीं, जस ऑब्जेक्ट्स ही है ना, तो ऑब्जेक्ट्स अगर सारे सेम टाइप के हैं, सारे इंटीजर्स ही हैं, तो इसका मतलब है होमोजीनियस, और अगर वो मुख्तलिफ हैं तो फिर वो हेटेरोजीनियस। मुख्तलिफ कैसे सर? अभी तो बताया आपको, मतलब उनकी टाइप मुख्तलिफ, ये नहीं कि फॉर एग्जांपल आप इस सिनेरियो में देख रहे होंगे कि एक लिस्ट है और उसका पहला एलिमेंट 1 है, दूसरा 2 है, नेक्स्ट 3 है, तो ये डिफरेंट एलिमेंट है, नहीं ये है तो डिफरेंट लेकिन इनकी टाइप सेम है, 1, 2, 3 तीनों जो है वो इंटीजर नंबर्स हैं, तो इसका मतलब है कि ये जो लिस्ट है ये होमोजीनियस है, समझ आई बात की? और अगर एक ऐसी लिस्ट है जिसका पहला एलिमेंट इंटीजर है 1 है फॉर एग्जांपल, और दूसरा एलिमेंट जो है वो 1.5 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एलिमेंट सेम नहीं है, उनकी टाइप्स जो है वो सेम नहीं है, डिफरेंट है, तो उसको फिर हम जो है वो हेटेरोजीनियस कहेंगे। ओके सर, जी सर, हाँ जी। इसी तरह हम लिस्ट में डाटा को एक्सेस करते वक्त कुछ कंडीशंस भी लगा सकते हैं, लाइक ये इनपुट 4 में आप देखें तो सिलेक्ट का फंक्शन यूज किया हुआ है, और इसमें हमने दो पैरामीटर दिए हुए हैं, पहला पैरामीटर जो है सिलेक्ट फंक्शन का वो एक पूरी लिस्ट है जिसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, और दूसरा जो इसका आर्गुमेंट है वो पॉजिटिव है, मतलब हम कंडीशन लगा रहे हैं कि सिलेक्ट फंक्शन हमें इस लिस्ट में से वो सारे एलिमेंट जो कि पॉजिटिव हों, तो इसमें नंबर्स हैं जो कि पॉजिटिव हैं, तो दो इशू हो रहे हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आप नेगेटिव नेगेटिव नंबर्स उसमें से पिक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे नेगेटिव यूज कर सकते हैं। ओके सर, काफी मैथमेटिका में ऐसे फंक्शंस हैं जो लिस्ट को ऐसे आर्गुमेंट यूज करते हैं, जैसे अभी ये सिलेक्ट में हमने देखा कि सिलेक्ट का जो पहला आर्गुमेंट है वो लिस्ट है, इसी तरीके से टेबल का एक फंक्शन होता है उसमें भी हम लिस्ट जो है वो एज ए पैरामीटर यूज करते हैं, जैसे ये टेबल में आई स्क्वायर है एक्सप्रेशन है जो कि रिपीट होगा, कितनी दफा रिपीट होना है, आई की जो वैल्यू है वो 1 से 5 तक है कि 5 टाइम रिपीट होना है। इसको हम आइटरेटर भी कहते हैं, ये जो सेकंड पैरामीटर है टेबल के अंदर, पहला तो एक्सप्रेशन है, दूसरे को हम आइटरेटर कह सकते हैं, क्योंकि ये 1 से स्टार्ट करेगा और पहली वैल्यू जो कि 1 है, 1 और उसका स्क्वायर 1 ही होगा, तो नेक्स्ट वो 1 में 1 का इंक्रीमेंट करेगा, इंक्रीमेंट करेगा और उसके बाद फिर उसको आई में पुट करके उसका स्क्वायर लेगा तो वो 4 आ जाएगा, इस तरीके से फिर आई में इंक्रीमेंट होगा, मतलब आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट होके मैक्सिमम 5 तक जाएगी, तो
तो इस वजह से हमें नीचे जो आउटपुट है 1, 4, 9, 16 और 25 मिल रही है। तो जब आइटरेटर वेरिएबल जो आई है इसके अंदर, जब इसकी वैल्यू 5 से ज्यादा हो जाएगी तो उस वक्त ये आइटरेशन जो है ये कंप्लीट हो जाएगी और फाइनल जो लिस्ट है वो आपको मिल जाएगी। समझ आई बात की? यस सर, यस सर। इसी तरह ये प्लॉट का फंक्शन है, प्लॉट के फंक्शन में भी हम साइन एक्स दो पैरामीटर, पहला साइन एक्स एक फंक्शन है और दूसरा एक्स की वैल्यू है, रेंज है, वो हो गई। तो इसमें भी सेकंड पैरामीटर जो है वो एक लिस्ट है। तो ऐसे कई फंक्शंस हैं जिनमें आप लिस्ट को एज ए आर्गुमेंट या पैरामीटर यूज कर सकते हैं। अगर हमने ये चेक करना हो कि लिस्ट की इंटरनल रिप्रेजेंटेशन क्या है, कैसे है, तो हमें पता है कि हम फुल फॉर्म फंक्शन के थ्रू हम देख सकते हैं कि उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है। तो ये फुल फॉर्म में एक लिस्ट है तीन एलिमेंट्स की, वो दी है तो उसने हमें बताया है कि इस लिस्ट का हेड जो है वो हमारे पास लिस्ट है और उसके जो आगे एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास तीन है, ए बी एंड सी। इसी तरह ये नीचे जी जी हेड लिस्ट ही हुआ है। जी हेड लिस्ट है इसका। ठीक है सर। अच्छा, इसी तरह जैसे बात हो रही थी कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, तो ये लिखा हुआ है कि लिस्ट एलिमेंट्स कैन बी एनी टाइप ऑफ एक्सप्रेशन, मतलब कुछ भी हो सकता है जिसमें नंबर, सिंबल्स, फंक्शन, करेक्टर्स, स्ट्रिंग्स और इवन सब लिस्ट या दूसरी लिस्ट, मतलब अरे के जो एलिमेंट्स हैं, सॉरी लिस्ट के जो एलिमेंट्स हैं वो इनमें से कुछ भी हो सकते हैं। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि अगर सारे ही नंबर्स हों या सारे ही सिंबल्स हों या उसके बाद करेक्टर्स हों, तो इस तरह के अगर वो सेम टाइप की हैं तो हम कह सकते हैं कि वो होमोजेनियस है। और अगर मल्टीपल है या कॉम्बिनेशन है सर, इसमें सब लिस्ट का मतलब, सब लिस्ट का मतलब ये होता है कि एक लिस्ट है और उसके अगर तीन एलिमेंट है फॉर एग्जांपल, तो उसमें से कोई एलिमेंट जो है वो फिर एक लिस्ट हो, मतलब एक लिस्ट है और उसके अंदर एक और लिस्ट बनी हुई है, तो अंदर वाली जो लिस्ट है इनर लिस्ट उसको हम सब लिस्ट भी कह सकते हैं। अभी इसमें इनपुट 8 में आप देखें तो हमारे पास ये एक लिस्ट है सारी, लेकिन इसमें आप देखें आखिर पे एक लिस्ट एम्प्टी है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है, आखिर वाली पाई के बाद वाली और एक पाई से पहले वाली भी एक लिस्ट है जिसमें दो एलिमेंट है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक लिस्ट है जिसके अंदर काफी सारे एलिमेंट्स हैं और उनमें से दो एलिमेंट्स जो है वो फिर आगे लिस्ट है, मतलब सब लिस्ट है। ओके सर। कुछ फंक्शंस है हमारे पास, जिनकी मदद से हम जो है ना वो लिस्ट बना सकते हैं। तो रेंज एक ऐसा फंक्शन है जिसके थ्रू हम लिस्ट जो है वो डिजाइन कर सकते हैं। तो उसका कुछ सेंटेक्स कैसे होगा कि आप रेंज लिखेंगे आगे आई मिनिमम, आई मैक्सिमम और दी वैल्यू उसकी। आई मिनिमम का मतलब ये है कि लिस्ट के एलिमेंट कहाँ से स्टार्ट हों, आई मैक्सिमम का मतलब कहाँ तक जाएं और दी का मतलब कि उसमें कितने कितने का इंक्रीमेंट हो, इजाफा कितने कितने एलिमेंट्स का हो। तो अभी आप ये देख रहे हैं रेंज के नीचे एग्जांपल में कि हमने -4 से स्टार्ट करवाया है कि पहला एलिमेंट जो है वो मिनिमम -4 हो और सबसे जो मैक्सिमम है वो 7 हो,
और उनके दरमियान में जो गैप है वो 3-3 नंबर्स का हो। तो पहला एलिमेंट -4 है, -1 फिर 2 एंड 5। तो इसमें आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम 7 की हमने कंडीशन लगाई थी, तो 5 के बाद अगर 3 ऐड करें तो ये 8 हो जाता है। तो 8 चूंकि कंडीशन में नहीं है, 7 तक हो सकते हैं, तो इस वजह से बस 5 तक इसको टर्मिनेट किया गया। समझाई बात की? यस यस सर। नो सर, रिपीट कर दें प्लीज। यस सर, रिपीट कर दें। रेंज फंक्शन के थ्रू हम जो लिस्ट है वो बना सकते हैं। तो कैसे बना सकते हैं, हमें इसका सेंटेक्स पता हो तो इजीली हम बना सकते हैं। सेंटेक्स में ये है कि पहला एलिमेंट, 3 इसके एलिमेंट्स हैं, इस फंक्शन के आर्गुमेंट्स हैं। पहला आर्गुमेंट ये बताता है कि जो लिस्ट होगी उसका पहला एलिमेंट या मिनिमम एलिमेंट कौन सा होगा। 7 ये बताएगा दूसरा पैरामीटर कि मैक्सिमम एलिमेंट जो है वो कौन सा होगा। और जो नेक्स्ट है 3rd, वो ये बताता है कि इसमें पहले एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट के दरमियान में गैप कितना होगा या इंक्रीमेंट कितना करेंगे पहले नंबर में, तो नया जो नंबर है वो जनरेट होगा। पहले एलिमेंट में कितने सम करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हमारे पास नेक्स्ट नंबर आ गया, नेक्स्ट एलिमेंट आ गया। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि -4 से स्टार्ट किया है, तो 3-3 का इंक्रीमेंट है, 3-3 का गैप होना चाहिए और मैक्सिमम जो नंबर है वो 7 होना चाहिए, 7 से बड़ा नंबर ना हो। तो आप देख रहे हैं कि नीचे -4, -1, -2 और -5 तक टर्मिनेट हो गया, क्योंकि 5 में 3 ऐड करें तो 8 हो जाएगा। तो 8 चूँकि कंडीशन में नहीं है, 7 है मैक्सिमम, तो इस वजह से टोटल 4 एलिमेंट्स में वो जनरेट होंगे। क्लियर है सर? ये आपको कैसे पता चला है कि 3-3 का गैप होना चाहिए? ये हमने लिखा है 3, अगर हम यहाँ पे 2 लिख देंगे तो 2-2 का गैप होगा, -4, -2, 0, 1, 2, ठीक है, फिर 4, फिर 6, फिर 8। सर जो लास्ट में आएगा उसी से हम चेक करेंगे कि ये इसमें कितना गैप होना चाहिए, इस तरह इसमें 3 है। जी जी, ये दी एलिमेंट जो है ना रेंज के फंक्शन में, दी वाला जो इसका आर्गुमेंट है लास्ट वन, उससे पता चलेगा कि कितना इंक्रीमेंट कर। अगर ये दी ना दिया इधर, जी ये नीचे लिखा हुआ है कि अगर दी आर्गुमेंट आप नहीं देते, मैथमेटिका उसकी जगह पे डिफॉल्ट वैल्यू यूज करता है जो कि 1 है, तो वो 1-1 का इंक्रीमेंट करेगा। सर जी, जी जी सर, हमने यहाँ में स्टार्ट किया है -4 से, ये था आपने कहा कि ये मिनिमम वैल्यू, और सेकंड में है 7, और आपने कहा ये मैक्सिमम वैल्यू, और अगर सर यहाँ पर 3 वैल्यू है, अगर यहाँ पर हम लिख लेते हैं -4, -7, और -8, तो फिर सर सेकंड के हिसाब से 8 मतलब हम देखेंगे कि मैक्सिमम तक जाना है या 7 जो 3rd 1, 8 1 को देखना। रिपीट करना क्वेश्चन सर, मैं कह रहा हूँ कि आपने हमें ये लिखवाई है ना, इसमें पहले ये -4, इसका मतलब आपने बताया कि ये है मिनिमम वैल्यू, हाँ ये हमारे फर्स्ट वैल्यू, हम इधर से स्टार्ट करते हैं, और आपने जो 3 है ना 3rd वो लास्ट वाला है, आपने कहा है कि इसमें 3 का गैप होता है, डी जो वैल्यू है, और जो 7 है ना 7 आपने कहा है कि ये 7 मैक्सिमम है, ये जो सेकंड पर आ रहा है, अगर सर हम -4, -7 और -8 उसमें ऐड कर लेते हैं, -4, -7, 8 और 3, तो फिर सर मैक्सिमम 8 तक देखेंगे कि या सेकंड वाला 7 तक देखेंगे? नहीं, आप ये चाह रहे हैं कि हम रेंज फंक्शन कुछ इस तरह लिखें कि जिसमें पहला एलिमेंट -4 हो और उसके बाद 7 की बजाय 8 हो यहाँ पे, या 7 और 8 हो, दोनों सर दोनों नहीं, क्योंकि वो ऐसे है रेंज फंक्शन के मैक्सिमम ये 3 ही आर्गुमेंट्स हैं, ये पैरामीटर हैं, 3 से ज्यादा नहीं हो सकते। आप मतलब -4, -7, -8, -3 ऐसे नहीं लिख सकते। ठीक हो गया सर, क्लियर हो गया।
ये डिफॉल्ट वैल्यू नीचे यूज हो रही है, देखें रेंज में 4.8, तो इसमें हमने भी पैरामीटर नहीं दिया, तो वो 4 से स्टार्ट करेगा, मैक्सिमम 8 तक जाएगा, और जो गैप है वो 1 नंबर को। ठीक है जी? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, ठीक है। अच्छा, अभी ऐसे है कि आप अगर मिनिमम वाला पैरामीटर भी नहीं देते और डी पैरामीटर भी नहीं देते, जस्ट आप एक मैक्सिमम वैल्यू जो है वो पैरामीटर देते हैं, मैथमेटिक का दोनों के लिए डिफॉल्ट वैल्यू जो 1 है वो यूज करता है, मतलब 1 से स्टार्ट करेगा और 1-1 का इंक्रीमेंट करेगा और मैक्सिमम जो वैल्यू होगी 4 उस तक एलिमेंट्स में वो प्रिंट कर। से प्लस 1 से क्यों शुरू किया, माइनस 1 भी तो आ सकता था सर। इधर सर ये जो लिस्ट बनी है, ये जो तो डिफॉल्ट वैल्यू 1 है ना, तो 1 से स्टार्ट हो। ठीक सर, आई मैक्सिमम होगा वो, आई मैक्सिमम ना दिया गया हो तो फिर मैक्सिमम को होना जरूरी है। ये जो भी आप रेंज देंगे, ये 1 जो है उसका डिफॉल्ट पैरामीटर उसको लेंगे। मैक्सिमम रेंज -4 है तो ये -4 तक एलिमेंट उसको ऑटोमेटिकली जो इटरेटर है वो नेगेटिव में ले जाएगा, ये 1 और उसके बाद 0 और फिर -1 -2 -3 -4। ठीक है, ठीक है सर। ओके सर, ये जरूरी नहीं है, ये जो पैरामीटर्स हैं इस रेंज फंक्शन के तीनों वो इंटीजर्स हो, फ्लोटिंग पॉइंट्स में भी हो सकते हैं, रियल नंबर भी हो सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि सर आवाज बहुत कम आ रही है। क्लियर है सर, बिल्कुल ठीक आ रही है सर, बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा, ऐसे है कि यहाँ पर रियल नंबर्स दिए हुए हैं, 1.5 जो है वो स्टार्टिंग एलिमेंट है, 6.3 जो है वो एंडिंग एलिमेंट है, ये मैक्सिमम है, और 0.75 उसके गैप है, तो इसको देखें तो नीचे जो है वो लिस्ट जनरेट की हुई है, तो ठीक है, इसमें कोई बात तो नहीं। नो सर, यस सर, नो सर, यस सर। सेकंड जो हमारे पास वे है लिस्ट जनरेट करने का, वो टेबल फंक्शन है, तो टेबल के थ्रू जो है वो हम एक लिस्ट जो है वो बना सकते हैं सर। जी जी सर, ये पॉइंट्स वाली जो है ना लिस्ट, ये बना के दिखा दे मैथमेटिकल में। कौन सी? ये जो भी पढ़ी है सर, पॉइंट्स वाली, आउटपुट 6 सर, आउटपुट 4 सर जी, 6 जी सर। स्लाइड नंबर कौन सी? इधर तो 6 है, हमने देखी अभी सर, 8 है स्लाइड नंबर सर, स्लाइड नंबर 8 पे है सर। हाँ हाँ, तो ये तो सिंपली ये रेंज फ्लोटिंग पॉइंट वाली जो है इसकी बात कर रहे हैं। जी सर, ये वाली ये तो सिंपली है, इसमें क्या मसला क्या है, वैल्यूज लिखनी है और लिस्ट जनरेट हो जानी है, और नीचे वैल्यूज आपको आउटपुट नहीं समझ आ रही उसकी लिस्ट की, तो वो आप सिंपली 1.5 से स्टार्ट करें और 0.75 उसमें सम करते जाएं, तो नेक्स्ट एलिमेंट आते जाएंगे जब तक 6.3 नहीं आ जाता मैक्सिमम एलिमेंट। ठीक है, क्या मसला?
सेम उसी तरह ये जस्ट जो पैरामीटर है वो रियल वैल्यूज है और कोई नहीं डिफरेंस। और कथा जी टेबल में जो सेंटेक्स है हमारे पास वो एक एक्सप्रेशन है और उसके बाद एक लिस्ट है दूसरा पैरामीटर उसका। उस लिस्ट में हमारे पास एक आई या एक्सप्रेशन वेरिएबल इसको आप कह लें जो कि पहले आर्गुमेंट में यूज होगा और उसके बाद आई मिनिमम कहाँ से स्टार्ट करे कहाँ तक जाए और कितना कितना गैप हो बाकी सेम है। इसमें जस्ट एक एक्सप्रेशन नई चीज है और एक आई जो है वो नया है आर्गुमेंट है। तो आई का मतलब वो वेरिएबल है जो कि एक्सप्रेशन में यूज होगा। नीचे एग्जांपल देखें तो टेबल 3k है पहला आर्गुमेंट एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है 3k और उसके बाद एक्सप्रेशन वेरिएबल k हो गया हमारे पास और मिनिमम वैल्यू 1 हो गई मैक्सिमम 10 हो गई और गैप कितना होना चाहिए 2 का। तो अभी ऐसे समझ लें कि k जो है उसकी वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी 10 तक जाएगी और उसमें 2-2 नंबर्स का इंक्रीमेंट होगा या इजाफा होगा। तो अभी 3k है पहला एलिमेंट जब ये रन होगा मैथमेटिक्स का इसको एग्जीक्यूट करेगा तो हमारे पास 3k की वैल्यू पहले 1 होगी तो 3 आंसर आ जाएगा फिर 2 का इंक्रीमेंट हो जाएगा k की वैल्यू जो है वो 3 हो जाएगी तो 3 × 3 9 हो जाएगा। इसी तरह फिर 2 का इंक्रीमेंट हो जाएगा तो 5 वैल्यू हो जाएगी k की तो 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 15 इसी तरह ये आगे जो है वो 27 तक जाएगा। ठीक है सर इसमें आई क्या है सर आई का बता दें सर। आई एक्सप्रेशन वेरिएबल है जैसे यहाँ पे k है अभी इनपुट 5 में जो k है वो आई है इसको हम एक्सप्रेशन वेरिएबल कहते हैं। ठीक है सर। सर 27 से आगे नहीं जा सकती ये वैल्यूज आउटपुट की जा सकती हैं अगर आप उधर मैक्सिमम 10 से आगे इंक्रीज कर दें आप इधर 100 बार देंगे ये इसी तरह k की वैल्यू 50 नंबर जनरेट होंगे अगर ये आप 100 कर देंगे क्योंकि 2-2 का इजाफा होना है तो टोटल 50 एलिमेंट या वो बन हर जो एलिमेंट है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा मतलब इसमें जो सारे नंबर्स आ जाएंगे ये 3 पर डिवाइड हो। सर इसमें मैक्सिमम 10 को नहीं यूज किया सर इधर जो दी लिखा हुआ है अगर ये ना देगा इधर तो फिर लिस्ट बन जाएगी बिल्कुल बन जाएगी तो एक एक का इंक्रीमेंट होगा डिफॉल्ट पे लिए बन। ठीक है सर। इसी तरह ये नीचे सेम वही एग्जांपल वोटिंग पॉइंट वाली वो टेबल के थ्रू डिजाइन की है इसको देख लें इसमें एक्सप्रेशन जो है हमारे पास आई है एक्सप्रेशन वेरिएबल या सिंपली एक्सप्रेशन जो है वो आई है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही सर आ रही है सर आ रही है कट रही है सर। तो इसमें जो एक्सप्रेशन है वो जस्ट आई है ऊपर वाली एग्जांपल में 3k था तो k की वैल्यू 3 से मल्टीप्लाई होके एक एलिमेंट जनरेट होता था यहाँ पे जस्ट आई है सिंपल तो जो भी आई की वैल्यू होगी वो एज इट इज इसमें एलिमेंट में यूज होगी तो वही अरे का एलिमेंट होगा लिस्ट का एलिमेंट होगा। तो इसमें आई कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1.5 से 6.3 तक जाएगा और सेम 7.5 जो है वो गैप होगा उनमें।
यही काम हमने इधर रेंज फंक्शन के थ्रू किया था, जिसमें कोई एक्सप्रेशन नहीं यूज किया। क्या मतलब है if di gives a value greater than i maximum the value will not be used? हाँ जी, कि अगर d जो है इंक्रीमेंट होने से आपके पास एलिमेंट वो आ जाता है जो मैक्सिमम से बड़ा हो। जैसे इस केस में आप देखें कि 5.25 है, इसमें नेक्स्ट वैल्यू जो ऐड किया 75 ऐड हुआ तो 6 बन गया। अब नेक्स्ट टाइम फिर जब 6 में 0.75 ऐड होगा तो 6.3 से इंक्रीज हो जाएगी वैल्यू, तो वो फिर नहीं यूज होगी। ओके सर, ये मतलब। हाँ जी, जैसा भी इधर चले तो ये है वो आंसर कि अगर आप नहीं देते वैल्यूज तो क्या होगा। अगर आप मिनिमम नहीं देते, वो डी का आर्गुमेंट उसकी वैल्यू नहीं देते, तो जैसे पहले बात हो चुकी कि मैथमेटिका ऑटोमेटिकली उनको डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो यूज कर लेगा और उसमें दोनों की जो वैल्यूज हैं वो 1:1 होगी। जैसे अभी इस एग्जांपल में देखें तो 3i एक एक्सप्रेशन है हमारे पास, i उसका वेरिएबल हुआ और यहाँ पे 2 है। ये इनका माइक सर जी ऑफ कर दें, समझ नहीं लग रही सर। माइक अपना बंद कर लेना, किस कह जी माइक ऑन तो नहीं किया सर, ये जो है ठीक है। तो इसमें हम इस एग्जांपल में हम आई की वैल्यू 2 से स्टार्ट कर रहे हैं और 5 तक जाएगी वैल्यू उसकी, लेकिन इसमें हम डी वैल्यू यूज नहीं कर रहे। तो ये 2, 3, 4 और 5 चार नंबर्स जो है वो जनरेट होंगे और हर जो नंबर है वो 3 से मल्टीप्लाई होगा तो लिस्ट जो है वो बनती जाएगी। तो 6, 9, 12 और 15 तो ये चार एलिमेंट्स जो है वो आ जाएंगे। इसी तरह अगर आप आई मिनिमम नहीं देते तो मैथमेटिका उसको 1 से स्टार्ट करेगा। जैसे इस केस में आप देखें तो जस्ट आई है और कॉमा आगे 4 है, तो 4 जो है ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम का देना जरूरी है, ठीक है, और एक्सप्रेशन का होना भी, ठीक है। अगर टेबल में पहला आर्गुमेंट जो है वो कोई एक्सप्रेशन है तो फिर एक्सप्रेशन वेरिएबल जो है उसका होना इधर जरूरी है। तो इधर आई है पहला आर्गुमेंट तो इधर भी आई होना चाहिए और आगे मैक्सिमम, बस बाकी आप ना भी दें तो मैथमेटिक का 1 से स्टार्ट करेगा और मैक्सिमम तक ले जाएगा और उसमें एक एक का जो है ना वो इजाफा होता जाएगा। सर जी, जी सर, स्टूडेंट्स को अलाउ कर दें सर, वो वेटिंग एरिया में कर रहा हूँ मैं, साथ साथ लाऊं सर। ओके सर, वो भाई का मैसेज आया था। इसी तरह अगर एक्सप्रेशन वेरिएबल या इटरेटर वेरिएबल जो है वो एक्सप्रेशन में अवेलेबल नहीं है तो फिर हमें जस्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम जो रिपीट होना है वो हमें वैल्यू देनी पड़ेगी। जैसे अभी पहला जो फंक्शन है टेबल में, पहला जो आर्गुमेंट है वो रैंडम फंक्शन है, रैंडम नंबर जनरेट किए जाए। अब इसमें कोई आई के या कोई वेरिएबल नहीं यूज हुआ तो हम इसके लिए आगे जस्ट बताएंगे कि कितने एलिमेंट जनरेट करने हैं। तो हमने 3 बताया तो ये 3 रैंडम नंबर जनरेट होंगे और उसका जो है ना वो एक लिस्ट बन जाएगी। क्लियर है? अरे ना, मतलब खुद हो जाएंगे, समझ नहीं आई बात की। सर हमने सिर्फ मैक्सिमम देना है 3, अगर हमारे पास बाकी चीजें नहीं है तो हम जो रैंडम देंगे तो ये खुद वो खुद तीनों को रैंडम भी बना देगा। हाँ जी, ये बताएगा कि कितनी दफा रैंडम नंबर जनरेट करना है। नहीं
वो तो जरूरी है ना कि हमने कहा कि मैक्सिमम नंबर नहीं देंगे तो क्या पता चलेगा कि कितने एलिमेंट होने चाहिए, वो तो पता नहीं यार, लिस्ट बनती जाएगी, कंप्यूटर हैक हो जाएगा, सॉरी हैंग हो जाएगा, तो ठीक है सर, क्रैश हो जाएगा। हाँ तो जरूरी है सर, ये रैंडम वैल्यू, सर ये रैंडम वैल्यू 0 और 1 के दरमियान होनी चाहिए। जी जी, ये रैंडम फंक्शन 0 और 1 के दरमियान आपको रैंडम नंबर जनरेट करके देता है, ये हमने पढ़ा है पिछले चैप्टर में। जी सर वही याद था। हाँ जी, अगर आप यहाँ पे 5 दे देंगे तो ये 5 रैंडम नंबर जनरेट करके देगा, 10 दे देंगे तो 10 देगा। ओके सर। इसके बाद नेस्टेड लिस्ट है हमारे पास। नेस्टेड लिस्ट, जैसे पहले बात हो चुकी सब लिस्ट के, लिस्ट विद इन अ लिस्ट या फिर लिस्ट कंटेनिंग अनदर लिस्ट एज इट्स एलिमेंट, एक ऐसी लिस्ट जिसके अंदर कोई लिस्ट हो आप कह लें, या एक ऐसी लिस्ट जिसका कोई एलिमेंट वो खुद एक लिस्ट हो, तो ऐसी जो लिस्ट है उसको हम नेस्टेड लिस्ट कहते हैं। तो पिछली भी सेम नहीं थी इस तरह, उसकी भी ऐसे ही बनती थी करने चाहिए। नहीं, ये नेस्टेड है, वो तो सिंपल थी ना कि कुछ भी हो सकता है, वैसे तो है तो सारी लिस्ट ही, लेकिन इसमें और उसमें ये डिफरेंस है कि इसमें जो एलिमेंट्स हैं एक लिस्ट के वो फिर आगे लिस्ट है, ठीक है, कोई सिंगल एलिमेंट नहीं है, एक आगे फिर लिस्ट है। तो आप यहाँ से अगर प्रीवियस स्लाइड पे देखें तो अगर ये आउटपुट 7 की बात करें तो इस लिस्ट में 6, 9, 12, 15 ये इंटीजर्स हैं, ठीक है, कोई लिस्ट नहीं है, ये सिंपल एलिमेंट्स हैं। और इस सिनेरियो में ये एलिमेंट्स में ये लिस्ट है इटसेल्फ, तो टेबल के फंक्शन के थ्रू हम इस तरह की जो लिस्ट है वो सब लिस्ट या नेस्टेड लिस्ट जो है वो हम डिजाइन कर सकते हैं। फर्क क्या है, फर्क सिर्फ इतना ही है कि हमने एक एडिशनल आइटरेटर यूज किया है। प्रीवियस एग्जांपल्स में काफी ज्यादा गर्मी आ गई, प्रीवियस एग्जांपल्स में एक मिनट होल्ड करो ना सर, अभी तक तो सिर्फ 6 स्लाइड्स आई हैं। प्रीवियस एग्जांपल्स में हमारे पास एक एक्सप्रेशन हमने देखा और उसके बाद सेकंड जो है वो एक लिस्ट पैरामीटर देखा। अब यहाँ पे 3 आर्गुमेंट हम यूज कर रहे हैं, पहला एक्सप्रेशन है, दूसरा वो आइटरेटर है उसका पूरा जैसे प्रीवियस स्लाइड्स में था, और ये एक नेक्स्ट न्यू आइटरेटर यूज किया है। तो पहला आइटरेटर एक लिस्ट जनरेट करेगा, दूसरा जो है वो उसके अंदर एक दूसरी जो लिस्ट है वो जनरेट करेगा। तो अभी आप नीचे देखें तो i plus j का मतलब j की वैल्यू 1 से लेकर 4 तक होगी और i की वैल्यू जो है वो 1 से लेकर 3 तक होगी। तो i plus j का मतलब i और j सम होंगे, 1 plus 1 तो 2 पहला एलिमेंट आ गया, फिर इसी तरीके से इंक्रीमेंट होगा j की वैल्यू में, क्योंकि 2 हो जाएगा, i की वैल्यू 1 ही रहेगी, ठीक है, वो इंक्रीमेंट दूसरी दफा नहीं होगी जब तक j की वैल्यू जो है वो 4 तक नहीं चली जाती। समझ आई बात की सर? ये दोबारा करवा दे सर, दोबारा करवा दे प्लीज, नहीं आई समझ। ये 3-3 एलिमेंट की एक लिस्ट जनरेट करेगा। वैसे तो अगर आप इसका ये थर्ड जो आइटरेटर जो भी एडिशनल है इसमें, अगर हम इसको नहीं यूज करते, लेट्स अगर यहाँ तक की हम बात करें तो हमारे पास 1 से लेकर 4 तक 4 एलिमेंट्स होने चाहिए, एक ऐसी लिस्ट जिसके 4 एलिमेंट्स हों, ठीक है,
तो अगर हम इसकी बात करें तो पहला एलिमेंट, दूसरा, तीसरा और चौथा, तो चार सब लिस्ट जो है वो बन गई है। ठीक है, तो पहला जो आइटरेटर है वो ये बता रहा है कि कितनी लिस्ट बनानी है, और सेकंड जो है वो बता रहा है कि उसके अंदर एलिमेंट्स क्या क्या होंगे। ठीक है, कितने कितने होंगे, तो तीन तीन एलिमेंट्स होंगे। हाँ जी, तो ये एक टेबल फॉर्म में आप इसको कर सकते हैं कि 2, 3, 4, फिर निचली रो 3, 4, 5, फिर 4, 5, 6 एंड 5, 6, 7, कुछ इस तरह करके। जब ये अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको समझ आ गई होगी, तो फॉर्म में आप इसको देख सकते, मैट्रिक्स फॉर्म में। तो अगर ऐसा करना हो तो यहाँ पर आपने एडिशनल इंफॉर्मेशन यहाँ पे देनी है स्लैशेस लगा के, डबल स्लैश के, टेबल फॉर्म, कि वो इस टेबल को जनरेट करेगा और टेबल फॉर्म में आउटपुट देगा, और अगर मैट्रिक्स फॉर्म कर लेंगे तो मैट्रिक्स की फॉर्म में आपको आउटपुट मिलेगी। ठीक है सर जी, काफी है सर जी, काफी है इसमें। सर काफी है। अभी आप अगर इसको देखें सर, ये कंप्लीट करने सर प्लीज, बस सर पढ़ाने डालिए, सर जी काफी है सर, चलें कंप्लीट सर, ये लास्ट है सर, सर ये लास्ट करवा ले सर। हाँ जी, इसमें आप देख रहे हैं कि ये पूरी लिस्ट है, ये आउटपुट 13 जो है, और इसमें आप देख रहे हैं कि चार रोज हैं और तीन कॉलम्स हैं। तो ऊपर अगर टेबल में सेंटेक्स उसका देखें तो पहला आइटरेटर 1 से 4 तक है कि चार रोज बनानी है या चार लिस्ट बनानी है और कितने कितने एलिमेंट होने चाहिए 1 से लेकर 3 तक। नेक्स्ट आइटरेटर बता रहा है कि तीन तीन एलिमेंट उसके अंदर होने चाहिए, और वो एलिमेंट्स उनकी वैल्यू किधर से आएगी, वो आई और जे की वैल्यू प्लस करने से आएगी। तो इस तरह करके जो डिजाइन, ठीक है सर जी। सर जी जी, सर ये इनपुट 14 में उन्होंने लास्ट में दो स्लैशेस क्यों लगाई है मैट्रिक्स फॉर्म में, ये सिंटैक्स है, अगर आपने लिस्ट को मैट्रिक्स फॉर्म में देखना। जी जी, इस तरह मैट्रिक्स फॉर्म में आपको नजर आएगा, अदरवाइज तो सिंपली वो ऐसे आउटपुट दे देगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।